हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के जैवलिन F41 कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह के बायोग्राफी के बारे में। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि उनका सिल्वर मेडल कैसे गोल्ड में बदल गया। नवदीप सिंह का जन्म 11 नवंबर 2000 को इंडिया के हरियाणा के पानीपत में हुआ था और अभी इनकी एज है 23 ईयर्स। नवदीप सिंह एक बेहतरीन पैरा एथलीट हैं और वो एक जैवलिन थ्रोअर हैं। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, पर पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और उसके कुछ घंटों बाद उनका सिल्वर मेडल गोल्ड में तब्दील हो गया। वो कैसे आगे बताएंगे। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पापा एक फार्मर हैं और इनका एक मिल्क डायरी भी है। नवदीप ने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इनकी हाइट है 4 फीट 4 इंच। अब बात करते हैं कैसे उनका पेरिस पैरालंपिक्स 2024 का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल गया। दरअसल नवदीप सिंह को सिल्वर मेडल मिला था अपने 47.32 मीटर जैवलिन थ्रो के लिए और ईरान के बेट सादेक को गोल्ड मेडल मिला था। नवदीप ने सिल्वर जीतने के बाद खुशी के मारे एक गाली का वर्ड यूज करके सेलिब्रेशन किया, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। वहीं दूसरी तरफ सादिक ने गोल्ड मेडल थ्रो के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल रिलीजियस एक्शन किया। एक फ्लैग को दिखाकर उन्होंने अपनी कंट्री ईरानियन फ्लैग को पकड़ने के बजाय उन्होंने एक ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाया जिसके ऊपर कुछ लिखा था। वो फ्लैग एक शिया इस्लाम को रेस्पेक्ट देने वाला फ्लैग था एज पर ईरानियन ऑफिशियल्स, पर इसके पीछे और क्या कारण है ये हमें नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो फ्रेंड्स, यही थी पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में जैवलिन F41 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह के गोल्ड मेडल जीतने के पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।